दहशतगर्दी के मुकदमे में तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन का दो रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्तादे दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन को दो रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीटी के हवाले कर दिया। अदालत ने रऊफ हसन का रोजाना की बुनियाद पर मेडिकल चेकअप कराने की हिदायत भी कर दी। जमशेद कादर मजीद बताएंगे। जमशेद बताएगा, दो रोजा मजीद जिस्मान मंजूर कर लिया गया है रऊफ हसन का। अगर फैल तौर पर इस एफआईआर की बात करें तो ये अहमद वकास झुंझुआ जो पीटीआई के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उनके खिलाफ दर्ज की गई थी और उनसे धमकी हुई थी। इस सिलसिले में उनके इंकशाफ पर ही एक और एफआईआर दर्ज की गई थी पिका एक्ट के तहत, तो उसमें रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया था और सात रोजा मुकम्मल के बाद कल उन्हें जुडिशल किया गया और उसके बाद इस मुकदमे में जिम के जरिए जो है वो रऊफ हसन की गिरफ्तारी डाली गई। आज रऊफ हसन को अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया और सीटीटी की जांच किया गया कि जो मजीद मुलजमान हैं नेटवर्क का बताया गया है, जो इंकशाफ किया गया है अहमद वकास झुंझुआ की जानब से जिन्होंने बारूदी मवाद जो है वो मुहैया किया, उन मुलजमान का पता लगाना है। लिहाजा रऊफ हसन का पाँच रोजा जिस्मानी रिमांड जो वो मंजूर किया जाए। अदालत ने दो रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए रऊफ हसन को सीटीटी के हवाले कर दिया है और रोजाना की बुनियाद पर जो है रऊफ हसन का चेकअप करवाने का भी हुक्म दिया है। जी सही, बहुत शुक्रिया जमशेद।